केक को बिल्कुल वैसे ही सजाऊंगी जैसे इस कुक बुक में सजाया गया है। केक? किसने केक बनाया है? क्या आज किसी का बर्थडे है? क्या तुम जानते नहीं आज किसका बर्थडे है टूटो? बा और बाबा को पता है। चलो मैं हिंट देती हूँ। बी से आता है बा और बाबा, और बी से आता है बर्थडे, और बी से आता है बूम्बा। मैंने अपने स्पेशल दोस्त के लिए एक स्पेशल केक बनाया है। आज शाम को सब लोग यहाँ आ जाना, भूलना मत। और अब हम केक का काम पूरा करेंगे। अब ये केक तैयार है, बिल्कुल कुकबुक के केक के जैसा दिख रहा है। वाव, हाँ अच्छू, केक तो बहुत टेस्टी लग रहा है। केक अच्छा तो लग रहा है अच्छू, पर ये कुकबुक के केक से थोड़ा अलग दिख रहा है। देखो, यहाँ देखो, फोटो वाले केक में लाल लाल चेरीज हैं, और ये सफेद सफेद दिख रहा है ना, ये पिसा हुआ नारियल है। आचू, तुम्हारे केक में चेरीज और पिसा हुआ नारियल नहीं है। ओह नो, तुम सही कह रही हो, मैं उनके बारे में तो भूल ही गई थी। मैं झट से दुकान में जाती हूँ और ढेर सारी चेरीज और नारियल खरीद कर लाती हूँ। लेकिन आचू, आज तो संडे है, इसलिए सारी दुकानें बंद होंगी। ओह, काश मैं पेड़ से ताजा ताजा चेरीज तोड़ पाती। आचू, हम कहाँ हैं? ऊपर हवा में, एक हॉट एयर बलून में। पर हम जा कहाँ रहे हैं? पहाड़ों पर, पेड़ से चेरीज तोड़ने के लिए। ओ, देखो वहाँ नीचे, देखो पानी, उसे नदी कहते हैं। कितनी लंबी है, और वो देखो कितने सारे पेड़। हाँ, वो जंगल है। क्या हमें वहाँ चेरीज मिलेंगी? नहीं गूगली, सबसे अच्छी चेरीज यहाँ नहीं, कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर मिलेंगी। हम लगभग पहुँच ही गए हैं। वाव, वो पहाड़ कितना ऊंचा है, और यहाँ कितनी बर्फ है। अच्छा हुआ इस ठंड से बचने के लिए हमारे पास स्वेटर्स हैं। चेरी के पेड़ नजर नहीं आ रहे। हेलो हिरन, क्या तुम यहीं पर रहते हो? हाँ, हम यहीं पर रहते हैं, हम पहाड़ी हिरन हैं। हमें बिल्कुल ताजी और रसीली चेरीज चाहिए, क्या तुम बता सकते हो वो कहाँ मिलेंगी? पहाड़ी के ऊपर सबसे अच्छी चेरीज वहीं पर उगती हैं। पर इतनी बर्फ में आप चलकर नहीं जा पाएंगे, वैसे हम सब भी वहीं पर जा रहे हैं, आप चाहें तो हम आपको वहाँ पहुँचा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा होगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। संभल कर बैठना और मेरे सींग को पकड़े रहना। हम पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। ये चेरीज कितनी ताजी और रसीली है। नारियल भी हरा और गोल होता है, ये फल भी हरा और गोल है, पर नहीं, ये तो हरे सेब है। नहीं, यहाँ भी नारियल नहीं। पर आचू, हमें केक के लिए चेरीज और नारियल दोनों चाहिए, और यहाँ तो हमें एक भी नारियल का पेड़ नहीं दिख रहा। क्योंकि नारियल के पेड़ ठंडी जगहों पर नहीं उगते हैं। लेकिन क्यों? वो गर्म जगह पर उगते हैं, जैसे कि केरला का बीच, जहाँ होता है सूरज और रेत और समंदर।
हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया हिरन। बाय बाय, हम फिर मिलेंगे। राजस्थान का रेगिस्तान है। अरे वाह, नीचे देखो आचू, ये नदी तो बहुत बड़ी है। नहीं चमकी, ये नदी नहीं है, ये तो समंदर है जो नदी से बहुत बड़ा होता है। और वो देखो, केरला का बीच, और वहाँ पर ढेर सारे नारियल के पेड़ हैं। यहाँ तो बहुत ही गर्मी है, यहाँ इन स्वेटर्स की जरूरत नहीं है। कोशिश करते हैं। ये क्या है? ये सी शेल है जो समंदर में मिलते हैं। देखो रेत पर पैरों के निशान। ये किसी जानवर के पैरों के निशान लगते हैं। डिटेक्टिव चमकी पता लगा लेगी। निशान कहाँ गए? वाव बंदर। हे बंदर पेड़ पर चढ़ सकते हैं। अरे वाह बंदर, क्या तुम हमारे लिए नारियल तोड़ दोगे प्लीज? क्या तुम मुझे वो सीशेल दोगी? ले लो। देखो लग जाए। अरे वो बंदर कहाँ चला गया? मैं यहाँ पर हूँ। तुम सबके लिए नारियल पानी। मैंने एक पार्टी में पिया था। पार्टी? आचू जल्दी घर चलो, देखो देर हो रही है, हमारे दोस्त तुम्हारी रखी गई पार्टी पर आते ही होंगे। हाँ हमें चलना चाहिए, तुम्हारा शुक्रिया। आह ये कितना सुंदर है। ये लो नारियल, मैं अभी इसे घिस कर लाया हूँ। और ये लो चेरीज, मैं अभी धो कर लाई हूँ। अब मेरा केक बिल्कुल तैयार हो गया है। वो भी बिल्कुल सही समय पर, बर्थडे बॉय भी आ गया। कितना प्यारा केक है। हाँ बूम्बा, तुम्हारे जैसे स्पेशल दोस्त के लिए एक स्पेशल बर्थडे केक भी होना चाहिए। और हम यहाँ से बहुत दूर कुछ खूबसूरत जगहों पर गए थे इस केक को तुम्हारे लिए और भी खास बनाने।